मुजफ्फरनगर में मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा गुड़ के बारे में तय करिए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में गुड़ महोत्सव मनाया, 118 वैरायटी का गुड़ अकेले मुजफ्फरनगर में बन रहा है। जो दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले कार्य थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए भी योजना चलाई विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में। इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गांव का नाऊ है, गांव का मोची है, गांव का हलवाई है, गांव का कारीगर है, गांव का राजमिस्त्री है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बड़ा कार्य करना है। मुझे बताया गया कि 2,61,00,000 शौचालय बनाने हैं और इस कार्य को हर हाल में अक्टूबर 2019 के पहले 2018 के अंदर अंदर बनाना है। मात्र 1.5 वर्ष का समय मेरे पास था। पिछली सरकार ने 2.5 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत कर दिया, कुल 43,00,000 शौचालय ही बनाए। तो मेरे सामने सबसे बड़ा ये था कि भाई स्वच्छ भारत मिशन में, क्योंकि भारत सरकार कहती थी कि अगर यूपी फेल हो गया तो देश फेल हो जाएगा, कैसे इतना बड़ा कार्य होगा। तो मैंने एक सर्वे कराया, मैंने कहा भी देखो प्रदेश के अंदर कितने राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्रियों को बुला करके उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया। मैंने कहा इनके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत दिनों से मजदूरी करते होंगे, इन लोगों को भी राजमिस्त्री के रूप में पारंगत करो। एक साथ 1,00,000 राजमिस्त्री हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किए, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना था अक्टूबर 2019 में, और हमारी सरकार ने लक्ष्य प्राप्त किया अक्टूबर 2018 में। 2,61,00,000 शौचालय हम लोगों ने बनाए। हमने उसके हुनर को मंच ही नहीं दिया कभी। आता था बेचारे को काम मिलता था, ठीक नहीं मिलता था, नहीं मिल पाता, घूमता रहता था। आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में पहले 27वें स्थान पर था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश पहले 25वें नंबर पर था, आज नंबर 1 पर है। 30,00,000 आवास हम लोगों ने इस दौरान गरीबों के लिए बनाए इन्हीं राजमिस्त्रियों के माध्यम से। मैं देखता था कि गांव का नाऊ कहीं जाता है, वो जमीन में बैठ करके दाढ़ी और बाल बनवाने लगता है, कोई 2 रुपया देता था, कोई 5 रुपया देता था। तो मेरे मैंने कहा भी अगर इस व्यक्ति को हम थोड़ा ट्रेनिंग दे दें, इसको बैंक से जोड़ दें, थोड़ा लोन दे दें, कुछ सब्सिडी दे दें, कुछ अनुदान शासन इसको दे दें, इसके लिए एक शोरूम बन जाए, एक सैलून बन जाए, तो यह भी 10 रुपये 15 रुपये पाने लग जाएगा, 50 रुपये पाने लग जाएगा, और जब सरकार का सर्टिफिकेट होगा तो कोई फ्री में भी इससे बनवाने का तो साहस नहीं करेगा। और इसके बाद यह कार्य हम लोगों का प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने प्लास्टिक को देश के अंदर सबसे पहले बैन किया था। प्लास्टिक का विकल्प क्या हो, मिट्टी के बर्तन, लेकिन कुम्हारों ने इस कला को छोड़ दिया था क्योंकि बिकता ही था, उनको पड़ता इतना पड़ता ही नहीं था कि वह इससे कुछ मुनाफा कमा सके। हम लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, हर गांव में तालाब है, हर मोहल्ले में तालाब है, इन तालाबों को लोगों ने गंदा पानी डालने का पूरा एक जरिया बना दिया है, इन गांव में मोहल्लों में गंदा पानी इस तालाब में न गिरे यह सुनिश्चित करना, इस तालाब को जल संचयन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, और उन तालाबों के माध्यम से हम लोगों ने कुम्हारों को बुला के कहा कि भाई हम आपको अप्रैल से जून तक तालाब दे रहे हैं, आप मिट्टी जितना निकालना चाहते हैं मिट्टी लेकर के चले जाओ। वो बेचारा खुश हो गया क्योंकि फ्री में मिट्टी मिल गई, लेकिन साथ साथ हमारा भी काम बन गया कि जल संचयन के लिए हम लोगों को फ्री में तालाब खाली होकर के मिल गया। और उसको मिट्टी फ्री में मिली,
हमने उसको सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक दिए। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, करीब 12 दर्जन भर रैलियों को वो अंजाम देने वाले हैं।